हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे साइड अभी धूप निकला है। लगभग एक सप्ताह के बाद खूब बारिश हुआ है अपने साइड। देख सकते हो आप लोग की तरफ कितना बारिश हुआ है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देख सकते हो कितना हरा भरा फूल पौधा है दोस्तों अपने घर में। तो आप लोग को बैक कैमरा से दिखाता हूँ क्या क्या है लगाए हैं अपने घर में। आप लोग तो यहाँ पास देख लिए होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पास मैं रील्स भी बनाता हूँ शॉर्ट वीडियो का। देख सकते हो मुर्गा मुर्गी लोग भी आनंद ले रहे हैं धूप का। यहाँ कुछ सब्जी का पेड़ लगाए हैं, एक करेला का पेड़ है दोस्तों, देख सकते हो अभी छोटा छोटा है, बारिश की वजह से गले जैसा हो रहा है पेड़। एक कद्दू का पेड़ है, अभी छोटा छोटा निकल रहा है, ये सेम ही बोलते हैं, सेम का उसका है, देख सकते हो। ये लौकी का है। अभी ज़्यादा कुछ नहीं लगा है दोस्तों, क्योंकि अभी सावन में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इस कारण बारिश थोड़ा हल्का कम हो जाएगा, फिर लगाएंगे। ये मुर्गी लोग पूरा वो कर देते हैं अपने पैर से, देख सकते हो इस प्रकार से, इस कारण पौधा लोग ख़त्म हो जाते हैं। ये नीलगिरी पेड़ है, फॉरेस्ट से लाए हैं इसको जगाने के लिए, देते हैं, देख सकते हैं। ये भी बारिश की वजह से इसका पत्ती सूख रहा है पूरा। ये है अपने बाहर का व्यू। कुछ देख सकते हैं यहाँ पास भी लगाए हैं, तोरई बोलते हैं। पानी की वजह से बहुत पेड़ खत्म हो गया है दोस्तों, मर गया है, देख सकते हो पूरे गले जैसा हो गया, यहाँ पास का मर गया है। ये वाला पौधा देख सकते हो सेमी का है। ये पान का पेड़ है दोस्तों, देख सकते हो, आप लोग भी खाओगे तो आ जाओ, बंगला पान का है। बहुत सारा फैला था इधर नीचे साइड, गर्मी के सीज़न में काट के फेंक दिया हूँ, अभी और जैसे तैसा हो जाएगा बरसात के सीज़न में। पूरा बारिश में घर का हुलिया ही चेंज हो गया है दोस्तों अपना, देख सकते हो। ये अपना घर का गेट है सामने का, कई वीडियो में देखा भी चुका हूँ आप लोगों को, तो देख सकते हैं दोस्तों। इसको बाहर में लगाया हूँ मस्त, अभी छोटा छोटा है, लाइन से लगाया हूँ, पूरा वहाँ तक है दीवार तक, धूप की वजह से अच्छा से नहीं दिख रहा है। बाहर से इस प्रकार है अपना घर का व्यू, देख सकते हो। इधर भी लगाए हैं देख सकते हो, ये पीछे साइड का है। ये कौन सा भाजी बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, इसको हम लोग खाते हैं, गांव देहात में प्रायः मिल जाएगा ये वाला भाजी, कांदा भाजी बोलते हैं अपन लोग इसको। देख सकते हो ऊपर में सहारा के लिए माचम चघा दिए हैं, ऊपर में चघा भी है, देख सकते हो। इधर सब लकड़ी वकड़ी रखे हैं, देख सकते हो, काट के झिल्ली में ढाक दिए हैं। यहाँ पर भुट्टा का जो बीज को निकालते हैं उसका भुट्टा बचा है, आप लोग को दिखाता हूँ। आग जलाने में बहुत काम आता है दोस्तों, अभी बरसात के सीजन में खास करके, देख सकते हो। ये सिंदूर का बीज है, यहाँ पास बीज पूरा गिर गया था तो पूरा जग गया, देख सकते हैं छोटा छोटा है पेड़। ये जिमीकांदा का, जिमीकंद बोलते हैं उसका पौधा है ये, यहाँ पास और है बड़ा वाला। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पास भी बहुत सारा लकड़ी ला के रख दिए हैं, सूखा जलाऊ लकड़ी है, क्योंकि नाला पड़ जाता है दोस्तों अपने खेत साइड, तो थोड़ा लकड़ी वकड़ी लाने के लिए दिक्कत होता है, साल में सिर्फ एक ही बार आता है गर्मी के सीज़न में, इसलिए ला के रख दिए हैं पहले से। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग नए होंगे
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी कॉल प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।